واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها صالحة او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم इंसान अपनी जिंदगी में इस जहान में एक दफा आता है, एक दफा मरता है। कुछ दिन उसके लिए चंद लोग आंसू बहाते हैं, मिट्टी में दबाते हैं, फिर गर्दिश जमाना, मौसम की बारिशें और तुंदो तेज हवाएं उसकी कब्र का भी निशान मिटा देती हैं। फिर वैसे मिटी हुई दास्तान बन जाता है, ऐसी भूली हुई दास्तान होता है, एक गुजरा हुआ दास्तान भी नहीं रहता, एक ख्याल बन जाता है। और एक नई नस्ल वहां जगह ले लेती है, शक्लें भूल जाती हैं, रंग रूप सारे के सारे बिखर जाते हैं और जाने वालों को पीछे रहने वाले कभी याद नहीं किया करते। इसी तरह इस जहान का एक अंदाज है, सुबह होकर जब शाम में बदलती है, सुबह जब होती है तो उसके पीछे पीछे शाम का डर लगा होता है। सूरज अपनी आबोताब के साथ अपने हुसन की जियापाशियां कर रहा होता है, साथ ही साथ उसे शाम के वक्त अपने स्याह होने का डर भी लगा होता है। चौदहवीं का चांद बहुत इतराता है, फखर करता है, मेरी रोशनी देखो, मेरा जमाल देखो, लेकिन कहीं अंदर में उसे यह खौफ लगा होता है कल मैं पूरा नहीं होऊंगा, थोड़ा हो जाऊंगा, अगले दिन और कम, अगले दिन और कम, फिर बिल्कुल मेरा एक निशान ही रह जाएगा, फिर उफक वो भी निकल जाएगा। तारों भरी रात अपने ऊपर बड़ी नाजा होती है, सूरज की एक किरण सारा हुसन उससे छीन लेती है। खिले हुए बहार के फूल बड़े खुशबाश नजर आते हैं, मचलते हैं, एक हवा का झोंका उनको बखेर के रख देता है और वो मसली हुई कलियां बन जाते हैं, गिरी हुई पत्तियां बन जाते हैं। अब फिजा अपने आके डेरे लगा लेती है, एक लड़का एक लड़की घंटों अपने चेहरे को शीशे के सामने खड़े होके देखता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, ये कपड़ा मुझे कैसा लग रहा है, ये लिबास मुझे कैसा लग रहा है, ये रंग मुझे कैसा लग रहा है, अपने आप को देख देख के खुश होना। चंद सुबहें गुजरती हैं, चंद शामें गुजरती हैं, वही चेहरा है, अपनी शक्ल को आप पहचानने से इनकार हो रहा है, नहीं 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 ये मैं नहीं, नहीं अल्लाह की कसम तू ही है। पर इस जमाने की रीत यही है कि वो हुसन वालों से हुसन छीन लेता है, माल वालों का माल चला जाता है,
इक्तदार वालों के तख्त उलट जाते हैं, नौजवान जवानियां वो बुढ़ापे के बेरहम शिकंजे में आकर बिल्कुल वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं, बहार को खिजां ले जाती है, जिंदगी पे मौत हमला आवर होती है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, वे नामवर बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, जवानी दीवाना कर देती है, ना पहली याद रहती है ना इंतहा और आखिरी याद रहता है, एक पागलपन का दौर होता है। तो कहने वाला कह रहा है, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, फिर क्या हुआ, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, फिर क्या होगा, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, अजल अरबी में मौत को कहते हैं। तो फिर क्या होगा, का फिर वो रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन को भी जहां सब शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम कहे नूर जहां है, अपने जमाने की हसीन तरीन खातून। अल्लाह सारी चीजें कम ही लोगों में जमा करता है, नूर जहां में सारी चीजें जमा कर दी, वो हसीन तरीन खातून, वो मलकाए नूर जहां, वो जहांगीर पे भी राज करने वाली, वो हिंद के तख्त पर बैठने वाली, उसके इशारों पे लाखों इंसान गर्दनें झुका रहे, और रिस्क भी, हुसन भी, खानदान भी, बादशाहत भी, लेकिन कहने वाले ने क्या कहा, रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है। अब तो हुकूमत ने कुछ टूटे मकान को जोड़ दिया है। मैं एक दफा जब कॉलेज पढ़ता था तो मैं गया था वहां देखने के लिए, तो रब की कसम वो टूटा ही था, दोनों मां बेटियां सोई पड़ी, लाडली बेगम नूर जहां, वो नाम तो उसका कुछ और था, लाडली मशहूर थी उसके नूर जहां के लाड की वजह से, दोनों मां बेटियां पड़ी हैं, और दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है, दिन में भी खौफनाक अंधेरा था, तबीयत घबरा गई, जल्दी से बाहर निकल आए, कौन है ये, क्या है ये, कहते हैं ये आराम कहे नूर जहां है, इसके नाम का डंका हिंद में बजता था, उसका अपना मजार उस पे आंसू बहाता है, और गुजरगाह से गुजरने वाले मुसाफिर उसे देखकर इबरत की नजर से देखते हैं, यही 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 इस जालिम दुनिया का निजाम है, इससे कोई नहीं निकल सकता मेरे अजीजों, ये धोखे का घर है, इससे वही सलामती से पार निकलेगा जो इसके धोखे को पहचान कर अपनी आखरत के लिए सामान इकट्ठा करेगा। हम खुद आए नहीं हैं, किसी ने भेजा है, हम मरना भी नहीं चाहते, कोई मार देगा, कहने वाले कहते रहेंगे मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और मरने वाला कहता रहेगा फलौला फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिउनहा इन कुंतुम सादिकीन, बचा सकते हो तो बचा के दिखाओ, नहीं हो सकता, मौत का वार बेखता होता है, कोई मरते मरते नहीं बचता, सारे ही बचते बचते मर जाते हैं, मौत जब वार करती है कभी खता नहीं जाता, وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ, मौत पंजे गाड़ती है तो सारी तदबीरें बेकार हो जाती हैं। तो मेरे अजीजों, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, हर चीज सवाल सवाल का ऐलान करती है, हर चीज पुकार पुकार के ढल जाने का ऐलान करती है, चमकते सूरज को
چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے، تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے، چودویں کے چاند کے بعد بیس کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے، آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی، پھر جنہوں نے پالا پوسا جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے، مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا، تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی، وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے، یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے، یہ ماں باپ بتاتے تھے وہ بھی بہ گئے، جو کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن سے جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں، چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں، جس بچی کا ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو وہ لٹا ہوا قافلہ ہے، اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے، آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا، میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں وہ مجھے مارے گا، میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے، میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے، اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے، اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا، تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا کس نے، اللہ نے، کہاں سے، مٹی سے، مٹی کو کیا کیا، ثم خلقنا نطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا، پانی کو کیا کیا، فخلقنا نطفۃ علقہ، ایک جونک بنایا، جونک کو کیا کیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑا کو کیا کیا، فخلقنا المضغۃ عظامہ، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا، فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک خوبصورت شکل دی، کیسی دی، الم نجعل له عینین، آنکھیں، ولسانا زبان، وشفتین، اور ہونٹ، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا، ثم السبیل یسرا، دنیا میں لے کر آیا، ثم اماتا، پھر موت کا بے خطا وار کروایا، فاقبرا، پھر قبر میں ڈالا، ثم اذا شاء انشرا، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا، اے عزیزو اپنے آپ کو غفلت سے نکالو، ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے، یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو، تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے، ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں، جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے، جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے،
जहाँ बेटी बेटी न रहे, माँ माँ न रहे, बहन बहन न रहे, बीवी बीवी न रहे, बाप बाप न रहे, भाई भाई न रहे, वो तादीब नहीं है, वो एक पुरपेच घना जंगल है जिसमें गुजर उतर कर इंसानियत गुम हो जाती है। सिसक सिसक के मर जाना उसका मुकद्दर बन जाता है। इसका नाम नई रोशनी नहीं है, ये अंधेरे हैं, ये पुराने अंधेरे हैं। रोशनी का आफ्ताब आज से 1400 साल पहले मक्के की चोटियों पर तुलू हुआ था। रोशनी का महताब आज से 1425 बरस पहले वो मक्के की और मदीने की वादियों में चमक चमका था। उसके नूर की रोशनियां आज भी उसी तरह हैं। वो रोशनियां कहीं से ढूंढ के लाओ, वो तहजीब और तालीम कहीं से लेकर आओ जो तुम्हें बताए कि तुम्हारा बनाने वाला कौन है। वल्लाहु खलकुकुम मिन तुराबिन, मट्टी से बनाया। जमीन आसमान खुद ब खुद नहीं बने डार्विन थ्योरी के मुताबिक, बल्कि मेरा अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, इन रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम, तुम्हारा रब अल्लाह जिसने तुम्हें मट्टी से बनाया, उसी ने जमीन को बिछाया, उसी ने आसमान को उठाया, युरसिलुर रियाह उसी ने हवाओं को चलाया, शम्स वल क़मर दाइबैन उसी ने चांद और सूरज को हरकत दी, और उसी ने वल अर्द बिसाता उसी ने जमीन को बिछोना बना के तुम्हारे कदमों तले रौंदने के लिए मुहैया कर दिया। हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन सायगुन शराबहु, उसी ने मीठा पानी तुम्हारे लिए मुहैया किया। वहाज़ा मिल्हुन उजाज, उसी ने कड़वा पानी तुम्हारे लिए मुहैया किया। कड़वा पानी भी नेमत, मीठा पानी भी नेमत। मीठा पानी ना होता तो सिसक सिसक के प्यासे मर जाते। कड़वा पानी समंदर का ना होता, और ये समंदर का पानी अगर मीठा होता ये बदबूदार हो जाता, इसमें तअफ्फुन पैदा होता, और इसकी गलाजत से भरी हुई हवाएं जब चलती तो छह बर्रे आजम में कोई इंसान जिंदा ना रह सकता। एक गंदा तालाब सारे महल्ले को बीमार कर देता है। साथ समंदर की गंदी हवाएं जब चलती तो कोई सांस ना ले सकता। तो मेरे अल्लाह ने इसको भी बतौर एहसान बताया। हाज़ा मिल्हुन उजाज, शुक्र करो उस रब का जिसने समंदर तुम्हें कड़वे करके दे दिए और नलके का पानी मीठा करके दे दिया। इसको पियो और उससे तुम्हारे लिए सब बारिशों का निजाम चलेगा। बादल बनेंगे, हवाएं चलेंगी, उनको कंधे पे उठाएंगी, फैसलाबाद लाएंगी, फिर धीमी धीमी अल्लाह ताला बारिश फरमाएगा, जमीन जिंदा होगी, तुम जिंदा हो गए, रूहें भी धुल जाएंगी, जान भी धुल जाएगी, बदन भी धुल जाएंगे, दरख्त भी धुल जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी का सामान बनाने वाला अल्लाह है जिसने मशरिक और मगरिब, शिमाल और जनूब के कायनाती नक्शे कायम फरमाए। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। अयनमा तुवल्लु फसम वजहुल्लाह, याद रखो हां भी देखोगे अल्लाह को सामने पाओगे। बंद कमरों में, अंधेर कमरों में, कुंडी लगे हुए कमरों में एक आदमी रिश्वत ले रहा है, मेरा अल्लाह कह रहा है मैं देख रहा हूँ। एक लड़की नाच रही है, मेरा अल्लाह कह रहा है मैं देख रहा हूँ। एक शराब की महफिल है, मेरा अल्लाह कहता है मैं देख रहा हूँ। ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. میرے بندو میری بندیو ہوش 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 میں آؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، رات کی تہجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، होटलों की महफिलें भी उसके सामने, मुसल्ले की आहें और आंसू भी उसके सामने, कुरान की तिलावत भी सुनता है और गाने की लय भी सुनता है, कुरान की तिलावत पर बहते हुए आंसू बिखता है और नाच गाने पर थरकते हुए बदन भी देखता है। एक दिन अल्लाह आएगा और ऐलान करेगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमो आज अलग हो जाओ। जुर्म की इंतहा का नाम क़यामत है। जब जमीन कप कपाएगी, आसमान थर थर आएगा, पहाड़ रेजा हो जाएंगे, पानियों में आग लग जाएगी, जीदार भी मर जाएंगे, बेजान भी मर जाएंगे। इदस्समा उन फतरत, आसमान फटा,
بيذل كواكب انتثرت ستارے ٹوٹے بيذل بحار فجرت سمندر ابل پڑے بيذل بحار سجرت سمندروں میں آگ لگ گئی بيذل ارض مدت زمین پھیلتی چلی گئی والقت ما فيها وتخلت اندر کا باہر باہر کا اندر اور بيذل جبال سجرت پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے گئے اور ساری کائنات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو. ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا, جب قیامت آئے گی اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے, ایسے ہی سورج نکلے گا, ایسے ہی رات گزشتہ ڈھلے گی, اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے, مائیں چولہے گرم کر رہی ہوں گی, باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے, منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے, زمینوں میں ہل چل رہے ہوں گے, گندم کا کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرا جا رہا ہوگا, ایوان شاہی سج رہے ہوں گے, گجرے باراتیوں بارات وہ دلہا اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی, اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ ایک اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا. ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةَ ایک آواز آئے. میرے نبی نے اتنا نقشہ کھینچا کہ دکاندار نے کپڑا کھولا ہوگا اور وہ میٹر یا گز کے ساتھ اس کو ناپ رہا ہوگا, اور ادھر گاہک نے بٹوا نکال کے جیب سے پیسے نکال کے ان کو گننا شروع کیا ہوگا, اور وہ ناپ کر کینچی ڈالے گا اور وہ پیسے آگے بڑھانے کے لیے ہاتھ آگے کرے گا, ایک دھماکہ ہوگا اور کینچی گر جائے گی, پیسے اڑ جائیں گے, جھاڑو گر جائیں گے. میں بچوں کو ناشتہ کروا رہی اسکول بھیجنے کے لیے, نوالے منہ میں جانے کی بجائے زمین پہ گر جائیں گے, اور بچیاں اے ہے کوئی وردی پہن رہی ہے, کوئی پہن چکی ہے, کوئی بستہ اٹھا رہی ہے, کوئی اٹھا چکی ہے, بستے بکھر جائیں گے, آنچل اڑ جائیں گے, مائیں نا آشنا ہو جائیں گی, باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے, ہر انسان بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, بھائی سے ماں, بیٹی سے بیٹا, ماں سے میاں, بیوی سے بیوی, خامن سے دوست سے بھرے گھر چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے کہ چھتیں اوپر آ رہی ہیں, شیر دھاڑنا بھول جائیں گے, ہاتھی چنکھاڑنا بھول جائیں گے, بھیڑیے غرانا بھول جائیں گے, سانپ پھنکارنا بھول جائیں گے, عقاب چپٹنا بھول جائیں گے, پانی اپنی روانی بھولے گا, پہاڑ اپنی سختی بھولے گا, پھول اپنا کھلنا بھولیں گے, اور مکین اپنے مکان بھول جائیں گے, بھاگیں گے. جنات سامنے آ جائیں, ابھی تو نظر نہیں آ رہے لیکن اس وقت سب سامنے آ جائیں گے, اور موت کا بے رحم وار ادھر گرا, گھر ٹوٹے, آگ لگی, پہاڑ ریزہ, ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت مر جائے گی, رونے والا کوئی نہ ہوگا, دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا, زمین کی دراڑوں میں غائب ہوتے چلے جائیں گے, پہلا آسمان موت کے دھماکے سے اڑ جائے گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں آسمان زیر و زبر. ملک الموت آج پسینے ہو رہا ہے, ہوتا نہیں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, پسینے ہو رہا ہے کہ آج کام بہت پڑ گیا ہے, سارے دنیا کی جانداروں کی جان نکالنی ہے, اور پھر میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جاؤ, گریں گے, پھر اللہ کہے گا جبریل اور میکائیل مر جاؤ, تو اللہ کا عرش ان کی سفارش کرے گا, یا اللہ ان کو بچاؤ, تو میرا اللہ کہے گا اسکت, فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, چپ رہو, میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. پھر جبریل اور میکائیل مریں گے, پھر اسرافیل مرے گا, پھر اوپر اللہ پوچھے گا کون باقی, تو کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ, لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ کہے گا, وہ
ملک الموت کہے گا میرے مولا اوپر تو باقی نیچے تیرا یہ غلام باقی, تو اللہ کہے گا موت مر جا مر جا, تو بھی آج موت کا ذائقہ چکھ. ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائے گا, یہ اس دنیا کا انجام ہے. مسلمان مرد ہو یا عورت, بیٹا ہو یا بیٹی, وہ دیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے. ان کے سامنے منزل ہے, مسافر شب سے چلتے ہیں, جو جانا دور ہوتا ہے انہیں اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوری کائنات کو موت دے کر کہے گا من کان لی شریکن فلیاتے, کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ, کوئی شریک لاؤ. پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا ان الملک میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان القدوس السلام المؤمن, میں ہوں قدوس السلام المؤمن. پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان المهيمن العزيز الجبار المتكبر, میں ہوں مهيمن عزيز جبار متکبر. آئے ہائے, پھر کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہے, این الجبارون, ظالم کہاں ہیں, عین المتکبرون, ایڑی مار کے چلنے والے, حسن و جمال پہ نخرے دکھانے والے, مال دولت کے غرور میں کسی کو خاطر میں نہ لانے والے, کہاں چلے گئے, اینہم, کہاں ہیں, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے, کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. تو پھر میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میرے بندو اور بندیو, تم کچھ نہ تھے, میں نے تمہیں بنایا, پھر میں نے اسی طرح تمہیں مار دیا, اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. ایک ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کے شولوں میں جلنا ہے. نہ آگ میں جانے والے مر سکتے ہیں, نہ جنت میں جانے والے مر سکتے ہیں. اس وقت کا انتظار کرو, پھر وہ وقت آ جائے گا, پھر کیا ہوگا. فإنما هي زجرة واحدة, ایک آواز آئے گی, پھر کیا ہوگا. فإذا هم بالساهرة, پھر سارے فیصل آباد کی زمین سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا. فتأتون أفواجا, پھر ان کو میدان معاشر کی طرف کھینچا جائے گا. تین طرح کے لوگ ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پہ چل کے جا رہے ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جو سر کے بل چل کے جا رہے ہوں گے. ملک شام سینٹر ہے روز محشر کا, یہاں سے ملک شام کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ پاؤں پہ چل کے بھی جائیں تو چھالے پڑ جائیں, جو سر کے بل چل کے جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, وہ سر کے بل کیسے چلیں گے. تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پاؤں پہ چلایا وہی ان کو سر پہ چلائے گا. قبریں پھٹ رہی ہیں, کچھ لوگ نکلیں گے تو قرآن کہتا ہے وہ اٹھتے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. دوسرے کیا کہیں گے, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, تم ہمارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا, بڑے آئے نیک پاک, بڑے آئے حاجی نمازی, بڑی آئی پردہ دار, بڑی آئی تسبیح پڑھنے والی, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج دیکھو, آج وہی دن ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے, تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا, کأنما اخشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے. اور کچھ لوگ قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے, وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, ترو تازہ, حسین, جمیل, خوبصورت. کیسے ہوں گے, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, مسفرہ چمکتے ہوئے, ضاحکہ ہنستے ہوئے, مستبشرہ مستبشرہ.
थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत करूं। मेकअप के साथ चेहरा चमकाया जा सकता है और खोखली मुस्कुराहट के साथ होंठों को सजाया जा सकता है, लेकिन जब अंदर में गम उतरे हुए हों तो जिसकी नजर बारीक होती है वो पहचान लेता है कि ये मुस्कुराता चेहरा तो लोगों को दिखाने के लिए है, पसे पर्दा तो गम नजर आ रहे हैं। जिस मर्द औरत के अंदर में खुशियां उतर जाएं और अंदर से वो खुश हो, उसको अरबी जबान में कहते हैं इस्तिबशार, बुशरा हादा गुलाम, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकालने वाले ने नारा लगाया था या बुशरा। जब खुशी अंदर से फूटती है तो उसको बुशरा कहते हैं। उस अंदर की खुशी के साथ जो चेहरे पर कैफियत पैदा होती है वो कैफियत है मुस्तबशरा। तो मेरा अल्लाह यूं बता रहा है कि मैं उनके चेहरे कैसे बनाऊंगा, मुस्फरा, चमकते हुए, हुस्न जमाल ऐसा कि आंख टिक न सके। और कैसे होंगे, ज़ाहिका, हंसते हुए। और कैसे होंगे, उनके अंदर से खुशियां फूट फूट के उनके रूएं रूएं से वो ऐसे नजर आएंगी जैसे बरसात की बारिश चारों तरफ छा जाती है और फिजा को घेर लेती है, इस तरह खुशियों ने उनको घेरा हुआ होगा। उनके अंदाज ही और होंगे, वाहिकतुन मुस्तबशिरा। दूसरे कैसे होंगे, वुजूहुन यौम इज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा। कुछ चेहरे ऐसे होंगे, यहां मेकअप होता है ना, सुर्ख सुर्ख चीजें मिलाकर एक रंग बनाया जाता है, और नाफरमानों के लिए तारकोल, आपने देखा होगा सड़क पे तारकोल बिछाई जाती है, लुक जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान, वो उनके चेहरों पर पेंट कर दी जाएगी और उसके ऊपर फिर मट्टी मल दी जाएगी। कतरा तरहक़ुहा कतरा, ग़बरा तरहक़ुहा कतरा, तारकोल का पेंट करके ऊपर मट्टी डाल दी जाएगी तो और ज्यादा बदनुमा हो जाएंगे, बदसूरत हो जाएंगे। जो औरत जितना यहाँ पर्दे के साथ जिंदगी गुजारेगी, जो लड़की जितनी पर्दे के साथ यहाँ जिंदगी गुजारेगी, क्यामत के दिन उतना ही उसका हुसन चमकता चला जाएगा। जो जितनी यहाँ पर्दे से आजाद होगी, क्यामत के दिन उतना ही उसके ऊपर तंगियों का और मुसीबतों का और परेशानियों का दरवाजा खोल दिया जाएगा। ये कब्र से निकलने का मंजर है। आगे चलो तो अल्लाह ताला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा, उसका पेपर सीधे हाथ में आएगा, ये कामयाबी की अलामत। वो कहेगा हा उमुकरहु किताबिया, आओ मेरा पेपर पढ़ो। किसी के उल्टे हाथ में आएगा, वो कहेगा या लैतनी लमूत किताबिया, हाय मैं मर गया, मेरे हाथ में ये पेपर क्यों आ गया, अरे मौत आ जा मुझे खत्म कर दे। पर मौत मर गई, मौत आ नहीं सकती। जिसके सीधे हाथ में है वो नारे लगा रहा हा उमुकरऊ किताबिया, लोगो आ जाओ आ जाओ, देखो मैं पास हो गया, मुझे डिग्री मिल गई, जन्नत की मिल गई, कामयाबी की मिल गई। तो लोग उससे कहेंगे तू कैसे पास हो गया, वो कहेगा इन्नी ज़नंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा अल्लाह मेरा हिसाब लेगा, मैं अपने पेपर की तैयारी करता रहा। ऊपर से अल्लाह ताला फरमाएंगे फहुवा फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ़्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदे को पाक जिंदगी मुबारक हो, खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो। देखो मेरे अजीजों, वो भी कोई जिंदगी है जहाँ लोग मर जाते हों, वो भी कोई जवानी है जिसे बुढ़ापा खा जाता हो, और वो भी कोई खुशियां हैं जो गमों की नजर हो जाएं, और वो भी कोई घर हैं जिन्हें छोड़कर लोग जाके मट्टी की चादर ओढ़ के जेर जमी मनो मट्टी तले जाके सो जाएं। ये सब कुछ ऐसे ही नजर का फरेब है। समझदार अकलमंद बच्चा बच्ची मर्द औरत वो है जो अपने अल्लाह को राजी करे, अपनी आखरत के लिए तैयारी करे। अल्लाह ताला ने जन्नत में एक फरिश्ता पैदा किया, जिस दिन वो फरिश्ता पैदा हुआ है उस दिन से आज तक वो जन्नत वालों के लिए जेवर बना रहा है। तुम्हारे सारे शौक अल्लाह आगे पूरे कर देगा, और
वो सांचे जिन सांचों में वो जेवर ढाला जा रहा है, वो सांचा सूरज को दिखाएं तो सूरज नजर ना आए, तो वो जेवर कैसा होगा जो अल्लाह अपने बंदियों को पहनाएगा। وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا, सोने के कंगन, सब्ज रेशम के जोड़े, जिनका ताना बाना अल्लाह ताला के अमर कुन से नूर के धागे से बनाया जाएगा, और वो 100 जोड़े भी पहन ले तो उसका कोई वजन ना होगा। यहाँ एक वेस्टकोट ही पहन लो तो उसका भी वजन महसूस होता है, वहां 100 जोड़े भी पहनोगे तो उसका वजन कोई ना होगा, हर जोड़े का रंग रूप दूसरे से जुदा होगा। अब लो जिंदगी का मजा, मौत मर गई सदा जिंदा रहो, बुढ़ापे चले गए सदा जवान रहो, बीमारियां चली गई सदा सेहतमंद रहो, फकर गुर्बत चली गई सदा मालदार रहो, और खाने की लज्जतें उठाओ, पखाना खत्म कर दिया गया, पीने की लज्जत उठाओ, पेशाब खत्म कर दिया गया, जितना खा ले पखाना नहीं, जितना पी ले पेशाब नहीं, और पीने के 3 महफिलें मेरे अल्लाह ने लगाई हैं। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, एक जन्नत का दर्जा है जहां जन्नती मर्द औरत खुद जन्नत की शराब सुराहियों से उंडेल कर गिलास में डाल डाल के पिएंगे। एक उससे ऊपर क्लास है जो आला दर्जे के लोग हैं, يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا, जहां वो बैठे हुए होंगे मियां बीवी, भाई बहन, मर्द औरत, दो सहेलियां, और उनके लिए खुद्दाम आएंगे और उनको डाल डाल के पेश करेंगे, और उनके लिए तश्तरियों में धर के उनको आगे दिया जाएगा, उनको पेश करने वाले गुलाम होंगे। एक दर्जा सबसे आला है जो VVIP लोग जिनको कहा जाता है, दुनिया के आखरत के VVIP लोग, इंतहाई स्पेशल जन्नतुल फिरदौस के खास मर्द औरत, जहां सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जहां अल्लाह खुद अपने हाथों से जाम भर के पिलाएगा। काश तुम्हें ये शौक लग जाए, तुम फातिमा की बेटियां बन के जिंदगी गुजारो, मगरिब की बेटी मत बनो, मगरिब नंगा हो गया है, उसने अपनी तहजीब को गंवा दिया है। मैं भी एक चौक में खड़ा हुआ तुम्हारे पास आते हुए, तो ये एक टेलीफोन कार्ड वालों का बड़ा इश्तेहार लगा हुआ है, वो लड़कियों के नाचने की तस्वीरें तो होती थी, एक बूढ़ी औरत के नाचने की भी तस्वीर लगी हुई है। औरत इतनी बेकीमत हो जाएगी, मेरी बच्चियों ये आजादी नहीं है, अल्लाह की कसम, वो बातिल चा खेल गया, आजादी के नाम पर उसने औरत की इज्जत को नीलाम कर दिया है। आजादी इसका नाम नहीं है कि एयर होस्टेस बन के 300 मुसाफरों की 8 घंटे खिदमत करे, हर हवसनाक नजर उसका तवाफ करे, कोई उसको किसी नजर से देखे, कोई किसी नजर से देखे, कभी किसी से टकराए, कभी किसी से टकराए, ये आजादी है, ये आजादी है। हमारा ऑस्ट्रेलिया से सफर हो रहा था सिंगापुर, 8 घंटे की मुसलसल फ्लाइट थी, ओहो बड़ा जंबू जहाज, और वो लड़कियां इधर भाग रही उधर भाग रही, एक मुझे वहां ख्याल आया। दूसरी दफा हमारा सफर न्यूयॉर्क से था, न्यूयॉर्क से हम चले और काहिरा हम उतरे, काहिरा 11 घंटे का मुसलसल जहाज का सफर, मुसलसल 11 घंटे एक टांग पे खड़े होके लड़कियां भाग रही, वो लड़के एयर होस्टेस भाग रही है, और उसके साथ 350 का मुसाफिर जहाज है, हर नजर उनको तवाफ भी करती है, बुलाती भी है, पुकारती भी है, ये पागल। और एक लड़की घर बैठकर अपने खामिद की खिदमत करती है, अपने बच्चों को पालती है, और उसका खामिद उसको बाहर से कमा के ला के देता है और उसे घर में इज्जत के साथ रखता है, इसका नाम गुलामी रखा, उसका नाम आजादी रखा। होटल में वो चाय सर्व कर रही है, ये आजादी है, और वो काउंटर पे जनरल स्टोर पर 8 घंटे खड़े होकर वो सारा दिन थकन से चूर हो जाती है, फिर उसने घर जाके खाना खुद तैयार करना है। वो घर में उसका खामिद कोई नहीं बैठा, वो बॉयफ्रेंड है, वो आज इसके साथ है कल किसी और के साथ होगा।
एक ड्रामा राइटर थे उशफाक अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती थी। तो जब एक दफा हमारी उनसे मुलाकात हुई, जुनैद जमशेद ने उन दिनों ताजा ताजा गाना छोड़ा था, तौबा की थी, तो वो अबरार मुझे मिलने के लिए, अबरार ये जो आजकल गाने का था, वो मुझे मिलने के लिए आए। तो हम एक घर में थे, तो वो उशफाक साहब कहने लगे कि मैं इस तबलीग के काम से मुतासर हुआ इंग्लैंड में, कि हम एक पार्क में बैठे थे, एक जमात आई तबलीग वालों की, उन्होंने आके मगरिब की अजान दी, नमाज शुरू कर दी, 15-16 लड़कियां वहां खड़ी थी, एक नमाज खत्म हुई तो लड़कियां आगे बढ़ी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा चलो हम भी चल के सुने ये क्या कहते हैं। तो जब वो पहुंचे हम वहां, तो वो लड़की नमाज पढ़ाने वाले से कह रही थी आप इंग्लिश जानते हैं? उसने कहा जानता हूं। कहा आपने क्या किया है? कहा हमने इबादत की है। उस लड़की ने कहा आज तो इतवार नहीं। इन्होंने कहा हम दिन में 5 दफा पढ़ते हैं, 5 दफा। मुझे नहीं पता इन बच्चियों में कितनी हैं जो 5 दफा नमाज पढ़ती हैं, शायद कम ही होंगी। अल्लाह करे तुम सबको ये दौलत नसीब हो जाए। याद रखना सजदों में सर रखे बगैर ना कभी किसी ने अल्लाह को पाया ना पा सकता है, और सजदों में आंसू बहाए बगैर ना कभी किसी ने दिल की दौलत को समेटा है ना कोई समेट सकता है। ये दिल का चैन और सुकून मेरे अल्लाह की कसम पेशानी को जमीन पर रगड़ने में है, और इस पेशानी पर आंसू बहाने में है, बातों से बात निकल आती है। जुनैद जमशेद 1997 में सबसे पहले मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौली साहब एक पाकिस्तानी जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, जिस जिंदगी का ख्वाब देखता है, वो जिंदगी मुझे हासिल है, मेरे पास दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, चारों तरफ मेरी जिंदगी रक्स करती है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, खला है। मैं उसके अल्फाज बड़े खूबसूरत, कहने लगा मैं वो कश्ती हूं जिसका कोई साहिल नहीं। अल्लाह अकबर, ये क्या वजह है? मुझसे कहने लगा ये क्या वजह है, ऐसा क्यों है? मेरी तो हर ख्वाहिश मुझे हासिल है। और बिल्कुल यही बात चंद लफ्जों की तब्दीली के साथ मुझे सईद अनवर ने कही, जब वो 3 दिन के लिए हमारे साथ निकला पहली दफा, मुझसे कहने लगा मैं ये सोचा करता था इज्जत दौलत और शोहरत ये मेरी जिंदगी का मकसद है, सिर्फ 22 साल में मुझे सब कुछ मिल गया, इज्जत भी दौलत भी शोहरत भी, लेकिन दिल उसी तरह परेशान, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई, तो रौनक भी है बहार भी है फिर दिल क्यों उदास है, फिर दिल क्यों परेशान और गमगीन है? का इस सोच ने मुझे ये मजबूर कर दिया कि मैंने मकसद के इंतखाब में गलती खाई है। मकसद के पाने के बाद तो आदमी चैन में आता है। मुझे अगर इज्जत दौलत शोहरत मेरा मकसद है तो मुझे मिल चुका है, फिर मुझे चैन क्यों नहीं, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं? तो मुझे पता चला कि नहीं नहीं मकसद जिंदगी कुछ और है। मैंने कहा शुक्र करो तुम्हें जल्दी पता चल गया, बाजे तो जिंदगी गुजार जाते हैं और उन्हें मौत तक नहीं होश रहता कि मैं क्यों आया था और मेरा क्या मकसद था। जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था, चल चल थक गए, जब आगे पहुंचे तो देखो गलत जगह आ गए, वापस मुड़ने का वक्त खत्म हो चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरे छा चुके हैं, अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, और तुम 22 साल के तुम जल्दी 30 बरस की उम्र में ही तुम्हें होश आ गया कि नहीं नहीं मेरी जिंदगी का मकसद कोई और है। उस नौजवान ने कहा हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। उस लड़की ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। तो उस नौजवान ने कहा, लंबी खैर बात हो जाएगी, आखिरी बात बताता हूं। तो जब वो बात खत्म हो गई तो उस लड़की ने आगे हाथ बढ़ाया कि अच्छा खुदा हाफिज। तो उस नौजवान ने कहा मैं आपको ये हाथ नहीं लगा सकता। उस लड़की ने कहा क्यों? कहा ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है, ये सिर्फ उसी को छू सकता है और किसी को नहीं छू सकता। तो लड़की खड़ी थी, उसकी चीख निकली और जमीन पे गिर गई और उसकी हिचकियां लग गई और वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है
जिसके तुम खामिंद हो, काश यूरोप के मर्द भी ऐसे होते। और रोती हुई आंसू बहाती हुई उठ के चल दी तो उशफाक मरहूम कहने लगे, मैंने अपनी बीवी से कहा, बानो आज वो तबलीग हुई है कि लाखों किताबें छप कर भी वो पैगाम न पहुंचता जो ये लड़का अपने अमल से पहुंचा गया। तो हमें एक जिंदगी का मेरे अजीजों मकसद मिला है, अल्लाह हमारी मंजिल है, हम अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारने वाले हैं, हम आजाद नहीं। जिंदगी गुजारना ये कामयाब जिंदगी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अल्लाह कह दे मुजरिमून इनको अलग कर दो और मुजरिमों के सफ में खड़ा कर दो तो फिर कोई हाल ना होगा। अल्लाह के नबी ने कहा कितनी औरतें होंगी जिनको सर के बालों से फरिश्ते पकड़ के घसीट रहे होंगे और वो कहेंगी हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। और कितने मर्द होंगे जिनके जबड़ों में हाथ डालकर फरिश्ते उनको घसीट रहे होंगे, वो कहेंगे हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्कर फीहि मन तदक्कर वजाअकुम नज़ीर। मेरे बंदे ये चंद आंसू दुनिया में बहा लेता, जो आज तू कर रहा है दुहाइयां दे रहा है ये तू दुनिया में दे लेता तो आज अपने रब की रहमत को देखता। तुझे बताने वाले भी आए थे, तुम्हें समझाने वाले भी आए थे, लेकिन तू तो मजाक उड़ाता रहा, तू तो उनके साथ मस्तियां करता रहा। आज देख ईमान वाले कितने ऊंचे जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे राजी किया कितनी बुलंदियों का सफर कर रहे हैं और उनके साथ मैं क्या करने लगा। ये कामयाबी उसको मिलेगी जो अपना सब कुछ अपने अल्लाह पर लगा देगा, वो अपना सब कुछ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर लगा देगा। ये कामयाबियां उसका मुकद्दर हैं। ये जिंदगी चंद रोजा है और आज एक सैलाब है मेरे अजीजों मगरिब की तहजीब का, इस इंटरनेट ने और इस टीवी ने और इस मीडिया ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ हमारा चला गया है और सिवाय उछल कूद के खेल कूद के और जिंदगी का की कोई मंजिल नहीं रही। मैं आप सबके सामने ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी जिंदगी की मंजिल तय करो, पहले ये सोचो और समझो कि ये सुबह ये शाम ये दिन ये रात ये जो गुजर रहे हैं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा सफर किधर का है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी आखिरी मंजिल क्या है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ। मेरे आपके नबी ने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु वअमिल लिमा बादल मौत। समझदार वो नहीं जो मशहूर हो जाए, जो इज्जत और दौलत को इकट्ठा करे, समझदार वो है जो अपनी आखिरत का सामान तैयार करे और अपनी मौत की तैयारी करे। इस पर जो जम जाएगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है, जो इससे हट जाएगा वो हालात को बर्बाद है। फिरौन जैसा जालिम बादशाह जिसने बच्चे ज़बह कर दिए, उसके दरबार में एक उसकी बेटी की एक खादिमा थी बांधी थी, उसने चुपके चुपके कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गई, वो ईमान ले आई। ईमान ऐसी दौलत है जो छुपे नहीं छुपता वो नजर आता है, जहां नजर आता है वहां रोशनी फैल जाती। मैं जब से कॉलेज छोड़ा मैं कभी होटलों में नहीं गया, ये 5-स्टार होटल का उस वक्त हम जाया करते थे जब कोई वहां जाने का नाम नहीं लिया करता था। छोटी उम्र में लाहौर चले गए, माँ बाप जेब में पैसे डाल देते थे, वो समझते थे पढ़ रहे हैं, हम कुछ और कामों में होते थे। तो फिर उसके बाद मैं जिंदगी में पहली दफा गया, हमारे एक दोस्त थे उनकी बेटी की शादी थी, तो मैं कभी नहीं जाता ऐसे मौकों पर इस किस्म की जगह पर, लेकिन उसने मेरी इतनी मिन्नत की कि मैं शर्मिंदा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई मैं आ जाऊंगा, और फिर उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि वहां सारा अलग अलग है, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का अलग है, पीसी लाहौर में। तो मैंने कोई 30-32 बरस के बाद उस होटल में कदम रखा, माजी के धुंधलकों में झांकते कितनी सुबह कितनी शामें वहां गुजरी हुई थी गफलत की। तो मैं जब वहां से निकलने लगा खाने के बाद तो औरतें निकल रही थी, अक्सर बेपर्द थी, तो वहां गैलरी में मुझे किसी ने रोक लिया, मुझसे बात करने लग गया, मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं
कुछ और औरतें खड़ी थी। इतने में सबकी नजर पीछे लगी औरतों की भी मर्दों की भी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये नजरें पीछे क्यों उठ रही। क्या देखा, मेरे करीब से एक खातून गुजरी, सर से लेकर पांव तक मुकम्मल बुर्के में, हाथों पे भी दस्ताने थे और पांव में जुराबें थी और एक बिल्कुल सादा सा बुर्का उन्होंने पहना हुआ था। जब वो गुजरी है तो एकदम सन्नाटा छा गया सारे औरतों पर भी, सारे मर्दों पर भी। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि ये हक है, ये सूरज जब चमकता है तो हर एक को उसकी रोशनी नजर आती है। वो औरत इतने एतमाद से गुजरी, वरना ऐसे माहौल में तो जिन्होंने पर्दे किए होते हैं वो पर्दे उतार देते, सर से दुपट्टे उतार देते। वो उसमें इस तरह गुजरी, सबकी नजरें शर्म हया से झुक गईं। वो औरतें जिनके दुपट्टे कहीं जा रहे थे उनकी भी नजरें शर्म हया की वजह से झुक गईं। ये मुसलमान औरत की पहचान है, ये फातिमा की बेटी है, ये खदीजा की बेटी है, ये मगरिब की नंगी बेटी नहीं है कि जहां मां बेटी का तसव्वुर खत्म कर दिया गया है। वो अब वो गंदगी हमारी तरफ फेंकना चाहते हैं, वो हमें ये गंद चाटने पर लगाना चाहते हैं और हम अल्लाह की मेहनत कर रहे हैं, या अल्लाह तो इस निजाम को तोड़ दे। हमारी तो बेबसी है, हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे उतर गए, कपड़े मुख्तसर हो गए, अजब हाल है। हया पता नहीं कहां ही रूठ के चला गया, नजर ही नहीं आता। पहाड़ों में जाके भी ढूंढा, वहां भी नहीं मिला। सहराओं में गए, दरियाओं में गए, कहीं नहीं मिला। कभी एक सिफत हुआ करती थी, आज पता नहीं कहां से मिलेगी, किस बाजार से मिलेगी। वो मंडियां ही बंद हो गईं। जिस कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शियार और शौक बना लें, उनकी नस्ल से अब खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकते, नाचने वाले ही पैदा होंगे। मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो सकते, तारिक बिन ज़ियाद नहीं पैदा हो सकते। ये जलसे जुलूस निकल रहे हैं ना तौहीन रिसालत पर, तो मुझे इस पर और रोना आ रहा है कि ये दीवाने क्या कर रहे हैं, अपनी दुकानें जला रहे हैं, अपने ही घर जला रहे हैं, गरीब लोगों के मोटरसाइकिल जला रहे हैं। मुझे सलाहुद्दीन याद आया, मैं बहुत रोया। वो भी किसी माँ का जना ही हुआ था। उसके जमाने में करक, हमारे पाकिस्तान में करक है, एक उर्दुन में करक है, ऊंची पहाड़ी पर वो शहर है, बड़ा दुश्वार किला है। उस पर एक हुक्मरान था ईसा, उसका नाम था रिजनॉल्ड। तो करक के करीब से काफले गुजरते थे हज के, तो उसने एक दफा हाजियों के काफले पे हमला किया और कहने लगा, बुलाओ अपने मोहम्मद को, तुम्हारी मदद कर। और सारे हाजियों को तातेक कर दिया। और दूसरी दफा उसने बहरी बेड़ा तैयार किया और मदीने पर हमला करने के लिए वो बंदरगाह तक पहुंचा यम्बू की, लेकिन मौसमी हालात साजगार न थे तो वापस हो गया। तो हित्तीन की लड़ाई हुई है फलस्तीन में, उसमें सारा यूरोप अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरा था और इधर तन्हा सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अकेला उस लश्कर से टकराया था और उन्हें उसमें सारी रोमन एम्पायर को शिकस्त हुई थी। तो बड़े बड़े बादशाह उसमें गिरफ्तार हुए, तो उसमें रिजनॉल्ड भी गिरफ्तार हो के आया। तो कोई 12 बादशाह थे रियासतों के जो सामने उसके पेश किए गए। तो प्यास की शिद्दत से सबका बुरा हाल था, तो सलाहुद्दीन ने सबको पानी पेश किया, रिजनॉल्ड को नहीं पेश किया। तो यरूशलम का जो बादशाह था हमफरे, उसने अपना पानी बचा के उसको दिया। तो सलाहुद्दीन ने कहा, ये पानी तू दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं। इस्लाम में ये है, जब किसी को पानी पिला दो तो उस पर तुम हाथ नहीं उठा सकते, ये अमन की निशानी है। तो सलाहुद्दीन ने फौरन उसे कहा, ये हाँ, ये पानी तूने दिया, मैंने नहीं दिया। तो फिर उन्होंने रिजनॉल्ड को इस्लाम की दावत दी कि तू मुसलमान हो जा, मैं तुझे दावत देता। उसने इनकार कर देखा, मैं नहीं होता। तो उसने तो उन्होंने कहा, मैंने तेरे कत्ल की 2 दफा कसम खाई थी, एक जब तू मदीने पे हमला आवर हुआ था तो मैंने कसम खाई थी मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल करूंगा,
और दूसरी दफा जब तुमने हाजियों पे हमला करके कहा था बुलाओ मोहम्मद को, तो मैंने कसम खाई थी कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं अपने हाथ से तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। आज मोहम्मद का अदना गुलाम तेरी उस बात पर ये फरीजा अदा करने के लिए आ रहा है, और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई, वो पीछे लटक गई, पूरी नहीं उड़ी, पीछे लटक गई, खौफनाक मंजर बन गया। तो सारे बादशाहों पे कब कभी तारी हो गई। तो सलाहुद्दीन फरमाने लगे, हमारे मजहब में ये नहीं है, बादशाहों के साथ हम बादशाहों जैसा ही सलूक करते हैं, पर ये हुदूद से आगे चला गया था। अब ये मुझे ये किस्सा भूला हुआ था, मुझे इन्हीं हादसों में, इन्हीं हंगामों में वो याद आया, तो तन्हाइयों में बैठ के बेबसी के आंसू बह जाते हैं, और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारी सारी नस्ल मौसीकी में डूब चुकी है, जो बदन सुरताल पे थरकते हों, जो बदन मौसीकी के ऊपर हिलते हों, रक्स में आते हों, उन पे कांटे ही हो गएंगे, उन पे सलाहुद्दीन का फूल नहीं उग सकता, मोहम्मद बिन कासिम के फूल नहीं उग सकते। बांझ हो गई है हमारी नस्ल, ये यूरोप का शहर है जो चल गया है, हमारी बेबसी है। मैं तो बस मिन्नत ही करूंगा, अपने आप को पहचानो, अपनी हस्ती हैसियत को पहचानो, अपनी निस्बत बदलो। तुम्हारी निस्बत यूरोप के साथ हो के अगर मौत आई बेकीमत हो जाएंगे, अगर मदीने वाले की निस्बत मिल गई तो हज़रत फातिमा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा, हज़रत खदीजा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा। चंद दिन है, सबर कर लो, घुट घुट के मर जाना ही बेटियों की रिवायत है। मशरक की बेटी, उसने घुट घुट के मरना ही सीखा है। हाँ, ये आजादी, ये आवारगी, ये मगरिब की औरत का खासा है, और 18वीं सदी तक मगरिब में भी किसी कोई औरत ऐसे नंगी ना थी, और घर की जिंदगी थी। 1792 में लंदन में एक औरत थी, मैरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट, उसने आजादी नस्वा पर सबसे पहले किताब लिखी थी कि औरतों को आजाद किया जाए, उस आजादी का जहर है जो आज भरा हुआ है। फिर उसी लंदन में 1792-1998 200 साल गुजरे कि उसी इंग्लैंड का सर्वे किया गया, औरतों से पूछा गया, तुम घरेलू खातून बन के रहना चाहती हो जो इसी तरह जैसे आज जिंदगी है? 98% औरतों ने कहा हम घर की खातून बन के रहना चाहती है, लेकिन हमें खामिंद मुयस्सर नहीं है, हमें बॉय फ्रेंड मिलते हैं जो टिश्यू पेपर की तरह मसल के हमें फेंक देते हैं। तो इस हाय हाय इस वलाजत का उन्हें भी पता चल चुका है, लेकिन अब वो निकल नहीं सकते। जो निकालने वाले थे वो खुद उस पर रीछ गए। निकालना हमने था, ईमान वालों ने, हम खुद उस जिंदगी पर रीछ गए हैं। अपने आप को निकालो इस दलदल से। हमारी बेटी की इज्जत ये नहीं है कि वो जीनत महफिल बन के बैठी हो, हमारी बेटी की इज्जत ये है कि उसका नौखन भी नजर ना आए, हमारी मेराज ये नहीं है कि उस स्टेज पे नाच रही हो, हमारी मेराज ये कि वो रात की तन्हाई में कुरान के सामने बैठ के रो रही हो। मुझे याद है बचपन में हम छोटे छोटे थे, हमारे बाप हमें जबरदस्ती मस्जिद ले जाया करते थे, तो घर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें, गांव छोटा सा, औरतों ने कुरान खोले होते थे और बैठ के पढ़ रही होती थी। तो मैं आपको फिरौन की बांदी का सुना रहा हूं, ईमान ले आई, फिरौन को पता चल गया, जैसे मैं ये कह रहा था, ईमान छुपता नहीं, नजर आता है, तो पता चल गया, वो पकड़ी गई। तो फिरौन ने उसे कहा, तो मूसा के रब पे ईमान लाई? कहां लाई? आग जलाओ। जल गई, कड़ा लेकर आओ, तेल डालो, तेल कड़ा आग एक खौफनाक मंदिर बन गया, तेल उसमें खोलने लगा, तो उस बांदी की दो बेटियां थी, एक दूध पीती थी, एक पांव से चलती थी, इनको हो गया 2.5-3 साल की, एक 6-7 माह की। तो उसने दोनों को बुलाया, पकड़वा लिया, और उनकी मां से कहा, अब अगर तूने मुझे रब ना माना तो मैं तेरे सामने तेरी बेटियों को जला दूंगा। तो उस बांदी ने कहा, ये तो दो हैं, इससे ज्यादा होती तो मैं वो भी अल्लाह पे कुर्बान कर देती।
तुझे जो करना है कर गुजर। हाय 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 हाय, खोलते हुए तेल की तरफ बेटी को खींच के ले जाने वाले ले जा रहे हूं और बेटी कह रही हो अम्मा अम्मा, वो मांग थी या पहाड़ था, हिमालय भी छोटा पड़ गया उसके सामने। उफ नहीं की मां ने, पत्थराई नजरों से बस देखा, बेटी को रुखसत किया। वो चिल्ला रही अम्मा अम्मा, क्योंकि उसे नजर आ रहा है मुझे कहां ले जा रहे हैं। उन्होंने टांगों से पकड़ा, मछली को तेल में डालते हैं, ऐसे डालते हैं। एकदम जल के राख, धुआं भी नहीं उठा, तो उसकी एक कमजोर सी चीख निकली। तो अल्लाह ताला ने मां की आंखों से पर्दा हटा दिया और मां ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा। वो कह रही अम्मा सबर करो, अभी इकट्ठे होने वाले, बस अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्होंने छोटी बच्ची को खींचा और उसको उसके सामने तेल में डाल दिया, पकौड़ा बन गई। अल्लाह ताला ने फिर पर्दा उठाया, मासूम रूह ने निकल कर फिर माँ को मुबारक दी, अभी इकट्ठे हो जाएंगे सबर। जब उसको खींचने लगे तो मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कूद जाऊंगी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है। क्या? का हम तीनों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना जुदा ना करो, मेरी हड्डियों को मेरी बेटियों की हड्डियों के साथ ही डाल दें। फिरौन ने कहा हाँ, ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। छलांग लगा गई, तीनों की हड्डियां निकालकर एक जगह दबा दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी में 2000 साल का तकरीबन फासला है। हमारे नबी मेराज के लिए आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए, फलस्तीन बैतुल मक़दिस से ऊपर उठे तो आपको मिस्र की तरफ से जन्नत की खुशबू आई, जन्नत की खुशबू। तो आपने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये खुशबू कैसी है? तो उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी, उसकी दो बेटियां थी, वो इस तरह कुर्बान हुई थी, उन तीनों को एक जगह दफन किया गया, वो हड्डियां जहां दफन है वहां से आज तक ये जन्नत की खुशबू आ रही है। ये माएं और ये बेटियां आज की औरतों को पकड़वा देंगी क्यामत के दिन, और आज की नस्ल को गिरफ्तार करवा देंगी क्यामत के दिन कि अल्लाह पर इस हद तक अगर हम कुर्बान हो सकती थी, हमारे सामने फिरौन की ताकत थी, तुम्हारे सामने फिरौन तो नहीं खड़े हुए। तो मेरे अजीजो, मैं आज बस तुम्हें यही कहने आया हूं, अपनी जिंदगी की मंजिल को सामने रखकर दिन रात शबो रोज गुजारो। हम आजाद नहीं है, आजादियां मौत के बाद मिलने वाली है। इस जिंदगी में अल्लाह उसके रसूल के पाबंद बन के चलो, अपने आप को पर्दे का खोगर बनाओ, नमाज के बगैर तुम बेचैन हो जाओ, बेकरार हो जाओ। माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह करे तुम्हारे, तो उनके लिए राहत बन जाओ, तुम अमानत होती हो, तुमने पराए घर चले जाना होता है। जब तक माँ बाप का घर नसीब है उनके लिए राहत बनो, उनके लिए ठंडक बनो, तुम जन्नत का जरिया हो माँ बाप। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह ताला ने जिसको दो बेटियां दी और उसने उनकी परवरिश करके शादी कर दी तो वो और मैं जन्नत में ऐसे करीब होंगे जैसे दो उंगलियां। और अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह ने जिसको पहली बेटी दी, बेटी के बजाय बेटी दी, और उसने बुरा ना मनाया, खुश हुआ, तो एक फरिश्ता आसमान से उतरता है और बच्ची पर और माँ पर फैला देता है और यूं कहता है तुम दोनों कमजोर हो, जो भी तुम पे खर्च करेगा अल्लाह उसका साथी हो जाएगा। अपनी हैसियत को पहचानो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की सीरत पढ़ो, वक्त निकालो इसके लिए, दीन की कुतुब पढ़ो, आखरत के मुतालिक पढ़ो, कुरान को सामने लेकर रखो और अपनी जिंदगी की मंजिल तय करो। ये जिंदगी इस तरह जाये करने वाला सरमाया नहीं है। और फिर खास तौर पर ये जवानी का वक्त जो चंद सुबह हैं, चंद शामें हैं, पता भी ना चलेगा और गुजर जाएंगे। तो इस वक्त में अपने अल्लाह को राजी कर लो तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें इज्जत के साथ उठा, यहाँ भी तुम्हें इज्जत देगा, मौत के बाद भी तुम्हें इज्जत देगा। अपने आप को सच का आदि बनाओ, झूठ से बचो, गाली से बचो, गीबत से बचो, जिनसे पढ़ो उनका अदब करो, उनका एहतराम करो,
तुम्हें अल्लाह ताला इस पढ़ाई में तुम्हारे लिए बरकत देगा, जहां जाओगी राहत का सबब बन जाओगी। सबर करना सीखो, सह जाना सीखो, जबान को बंद करना सीखो, चुप रहने में जो इज्जत है वो बोलने में नहीं है। लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, बेटा मैं चुप रहने पे कभी नहीं पछताया, हमेशा अपने बोल पे पछताया, हमेशा अपने बोल पे पछताया। तो मैं तुमसे ये चंद गुजारिशात कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी की एक मंजिल बनाओ, वो अल्लाह उसका रसूल है, उसके लिए सामान इकट्ठा करो। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, पता नहीं कब अगले उठा के हमें ले जाए, कोई हमसे पूछा जाएगा, कोई हमें बुलाने के लिए पहले कॉल आएगी, एकदम आने वाला आएगा और उठा के ले जाएगा, पर हर 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 रिश्ता नाता टूट जाएगा, फिर मैं होऊंगा और मेरा अमल होगा। इसलिए अपने साथ साथ ज़रा इकट्ठा करो, अपनी आखिरत के लिए सामान इकट्ठा करो, ताकि तुम्हारे लिए ये जहान भी अच्छा बने, वो जहान भी अच्छा बने। नमाज के साथ, जिक्र के साथ, तिलावत के साथ, हुस्ने अखलाक के साथ अपनी जिंदगी को मुजयन करो। अदब सीखो, एहतराम सीखो, नजर का झुकाना सीखो। नजर तो मर्दों से उठी हुई बड़ी हलाकत है, जो जाए कि बच्ची की और औरत की नजर उठे, ये हया ही तुम्हारा जेवर है, हया ही तुम्हारा जेवर है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत और तुम्हारा सबसे बड़ा सरमाया है, जो तुम्हें मौत के बाद काम आने वाला है। करोगी कल को अल्लाह के महबूब की बीवियों के साथ तुम्हें उठाया जाएगा, उनकी बेटियों के साथ तुम्हारा हशर किया जाएगा, और ना आज टके टके इज्जत भी बिक रही है, नामूस भी तार तार है, हया का दामन भी दागदार है। सारी इंसानियत इंसानियत के नाम पर ही वो कुछ कर रहे हैं कि इंसानियत भी कहीं कोने में बैठ के आंसू बहाती है। ये मगरब के अंधेरे हैं, मैं कहा करता हूँ मगरब में तो सूरज भी डूब जाता है, हमारी नस्ल पता नहीं मगरब के पीछे चल के कैसे तुलू हो जाएगी। मगरब में तो अंधेरों की जगह है, हमारी नस्ल पता नहीं मगरब में कौन सी रोशनियां तलाश करने जाती है। मगरब से तो काले तारीख किस्म के साए उभरते हैं, हमारी नस्ल पता नहीं मगरब में जाकर कौन सी सफेदियों के पीछे भाग रहे हैं। मशरक ही रोशनियों की जगह है, मशरक ही तुलू होने की जगह है, हमारा किबला भी मशरक की बजाय सेंट्रल सेंट्रल ईस्ट में, मिडल ईस्ट जिसको कहते हैं, मिडल ईस्ट, बिल्कुल मशरक के सेंटर में अल्लाह ने किबला बनाया, मदीना बनाया, बैतुल मक़दस बनाया, अपने नबी को अल्लाह ताला ने मशरक के बीच में अल्लाह ताला ने भेजा, सारे आलम के लिए हादी और रहबर बनाकर उसे सामने रखकर जिंदगी गुजारो। चंद दिन है मौत आते ही, ये जिंदगी भी बनेगी, वो जिंदगी भी बनेगी, अपने घरों के अंदर राहत बन के रहो, चैन बन के रहो, सुकून बन के रहो, अपने कॉलेज में भी, अपने घर में भी। जब अल्लाह ताला तुम्हें दूसरे घर में जाओ तो वहां भी ऐसे जाओ कि हर एक तुम्हारे लिए दुआ करने वाला हो, हर एक तुम्हारे लिए हाथ हाथ छोलियां उठा उठा के तुम्हारे लिए दुआ करने वाला हो, तो तुम राहत बनोगी, चैन बनोगी, सुकून बनोगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।